छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों में चुनाव होना है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि जनता को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार अलग अलग इलाकों में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसडोल विधानसभा क्षेत्र के लबन में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संदीप साहू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम बघेल ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 घंटों के अंदर ऋण माफ किया गया। इसके साथ ही 200 यूनिट तक बिजली का बिल आने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान सीएम बघेल ने कांग्रेस की घोषणा पत्र का बखान करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू को भारी मतों से जिताने की अपील की है। मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर बार लोगों को धोखा मिला है। चाहे किसानों का है तो उनको नहीं करने की बात हो, चाहे 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, 300 रुपया बोनस की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो, काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे देश के अंदर काला धन लाने की बात हो, ये सब बात में मोदी जी रमन सिंह के गारंटी पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वो किया है, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे 2500 रुपये में खरीदने की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे 4000 प्रतिमाना बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदने की बात, सभी वादों में हमने लोगों का भरोसा हमने जीता है। इस कारण से कांग्रेस की गारंटी भी लोगों को भरोसा है। इस बार कितने दिनों में किसानों की कर्जा माफ हम जीत रहे हैं? 2 घंटे